रखे बोल वॉच सर ये इसमें डाली लगा दिया लेवल भाई जान लूज है शायद शुरू से फिट नहीं होगी थोड़ थोड़ दे टेंशन चल रही है नेक्स्ट टाइम इसकी भी जरूरत नहीं है लेके आने की सीधा सीपी में लगा देंगे पढ़ना नहीं चल रही है Thank you.
लेकर कहां तक प्रेम मेक सेंस अच्छा दो पैरामीटर मैं इसको और पास कर रहा हूं एक का नाम है इंटीजर सॉरी कैरेक्टर सिंबल कौन सा सिंबल है जो प्रिंट करवाना चाहते हैं ठीक है जो कि हमारे किस पे स्टार पास होगा और एक हम इंटीजर डी पास कर देते हैं डी इज फॉर डिले ठीक है कितना हम डिले अपने पूरी फिगर में प्रिंट करने में कितना डिले है डज इट मेक सेंस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ओके बात अगर ये फंक्शन अगर बना दो उसकी एजेंडा क्या होगी वॉइड अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह कॉल करता हूं फॉर एग्जांपल नेम में से लेफ्ट टू राइट और इसे पैरामीटर में भेजता हूं रो नंबर 0 व्हिच मींस ये जो ये वाली रो कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट करो और 79 तक जाओ और ये सिंबल प्रिंट करो और डिले है फॉर एग्जांपल 1 what should be the output of this program ji kya program ki output hai ji ji bata aap da zero hola tumhare samne kya output hai ji shabash ha yahan se start hoga aur kya symbol print karega ये वाला सिंबल ये सिंबल यहां प्रिंट करेगा फिर ये सिंबल यहां प्रिंट करेगा फिर ये सिंबल यहां प्रिंट करेगा कहां तक ये प्रिंट करता जाएगा कॉलम नंबर 79 तक ये सारे स्टार्ट प्रिंट ये बात समझ आई तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो ये है कि ये पहली रो प्रिंट करता है ठीक है व्हाट अबाउट दिस अगर मैं ये कहता हूं ऑल एल टू आर फॉर एग्जांपल रो नंबर 1 0 79 स्टार और यहाँ पे 1 जी अब क्या होगा जो फर्स्ट रो है विच मींस इससे निचली रो ये 0 रो थी और ये फर्स्ट रो ओके तो ये रो पूरी पूरी स्टार पर रिप्रेजेंट करेगी हां लेकिन वो 0 तो नहीं होगा कुछ होगा वो अलग बात बात ये कि ये इस प्रोग्राम की आउटपुट ये होनी चाहिए डज इट मेक सेंस जी तरह मैं कहूं फॉर एग्जांपल एल टू आर और यहां पे मैं 1 भेज ठीक है इसको मैं मिटा रहा हूं अगर मैं इसको यहां से 1 भेज दूं और यहां से दोबारा से 1 भेज दूं और यहां से 78 भेज जी आप बता सकते हैं क्या होगा बताओ वो पहली स्टेज जो यहां से स्टार प्रिंट शुरू करेगा और कहां तक प्रिंट करेगा जाते हो बाद में खड़े एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि एल टू आर में जो अगर ये हम करेंगे तो वो एक ठीक है व्हाट अबाउट दिस एल टू आर यहां पे मैं कहता हूं 2 और यहां भी मैं कहता हूं 2 और यहां मैं कहता हूं 77 जी बताएं क्या होगा सेकंड रो से जो थर्ड रो से थर्ड रो यहां से शुरू करेगा और यहां तक ये बात समझ आ रही है ओके तो राइट ऑफ इसका मैं इसे थर्ड रो के थर्ड कॉलम से ऐसे हम लेंगे हाथ तो ठीक करते हैं लेकिन हमारा एल टू आर का जो मोटिव है वो समझ में आ गया ठीक है ऑलराइट So far so good. Okay, we are done with the. अब question ये है कि जो L to R हमने लिखना है, ये हम code करें. Okay. Void L to R. तो parameter क्या पास होते हैं? Integer R, integer CS और integer CE और character symbol. और इंटीजर डी प्लीज डिस्कस करें और एक प्लीज और ये कॉपी पे लिखें प्लीज लिखें हाँ इसके मतलब जनरल जनरल
जेनेरिक का मतलब है कि वो सी एस से स्टार्ट हो और सी ई तक जाए, ठीक है। और रो जो है वो उसकी क्या होना चाहिए, यहाँ से कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपने जीरो से 79 का नहीं लिखना, आपने इसके स्पेसिफिक जनरल लिखना, जेनेरिक कोड लिखना, ठीक है। डिले ऐड करके, हाँ डिले ऐड करके, डिले ऐड करके Thank you.
Thank you.
मूवमेंट का मतलब है कि हमने इस साइड से इस साइड पर जाना है, ठीक है, इस साइड से इस साइड पर जाना है, तो हमारी रो चेंज नहीं होती, ठीक है, तो रो हमारी यहाँ चेंज करती है, कॉलम में हमारा चेंज आता है और वो स्टार्ट होती है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पर, ठीक है, और उस जगह पर हमने ये वाला सिंबल क्रिएट करना है और डिले लेके आना। तो एसेंशियली हमारा कॉलम है जो कि एक्चुअली स्टार्ट होता है कहाँ से, सी एस से, और कॉलम जाता है लेस देन और इक्वल टू सी ई तक, और कॉलम में होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, इक्वल टू आएगा, यहाँ तक जाना, ठीक है, ऑलराइट, कॉलम स्टार्ट से लेकर कॉलम एंड तक जाना, ओके। अब हम यहाँ पे कहते क्या है कि हमने यहाँ पर सेंचुरी सी आउट, ओके, सी आउट से पहले हमने रो टू रो कॉलम लगाना, रो टू रो कॉलम, उसमें आर जो है वो एज इट इज है क्योंकि जो पास हुआ है वही रो का रो रहे, हाँ, कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज क्या है, ये सी है, कुछ लोगों ने क्या किया यहीं पर उसको सी एस लगा, ये गलत है क्योंकि इसके इस सी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, चलो ये बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर सी एस लिखने का मतलब है कि हमेशा वो किस किस कोऑर्डिनेट पर जाएगा, वो कॉलम स्टार्ट पर जाएगा, यानी वो एक ही जगह पर प्रिंट करता है, ठीक है, प्रिंट कितनी जगह करेगा वो आपने ठीक कहा है, लेकिन प्रिंट किस जगह करेगा वो जो आपने कहा है, जो से कहा है आर और सी एस, यहाँ पर सी एस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वाला सी एस, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू जब सी एस होगी तो वो ये प्रिंट करेगा, जब अगली दफा सी की वैल्यू एक ज्यादा हो जाएगी तो वो ये प्रिंट करेगा, फिर सी की वैल्यू एक और ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर ये प्रिंट करेगा, और इस तरह कहां तक हो जाएगा जी, जब तक आपने उसको एंड तक इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है जी, रो टू रो कॉलम पे गया, यहाँ पे जाके सी आउट किया, सी आउट किया क्या, ये वाला सिंबल, और यहाँ पे रखा डिले, डिले में क्या रखा जी, जी सर, सी आउट की क्यों जरूरत है, अगर हम गो टू की क्या जरूरत है, अगर गो टू नहीं लगाएंगे वो फिर भी ऐसे सी आउट करता जाएगा, भाई गो टू इधर लिखने की क्या जरूरत है, बिल्कुल ठीक बात, सादिक कह रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पर गो टू करने की जरूरत है, गो टू करने की जरूरत है, उसके बाद क्या होगी, पहली दफा क्या, ये पहली दफा होगी या उसके बाद होगी, मेरे ख्याल में पहली दफा होगी, क्योंकि पहली दफा हो सकता है स्क्रीन पे ओपन ही कहाँ बैठा हो, लेकिन फिर पहली दफा जब वो यहाँ पर उसे कहता है कि यहाँ पर यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट कर दो तो कर्सर यहाँ पर सेट होगी, आप जब सी आउट करोगे तो फॉरन कर्सर आगे मूव कर जाएगा, वो खुद ब खुद आगे मूव करता हो जाएगा, सर बाय डिफॉल्ट होता है 0-0 पे, अब हमने यूजर से पूछा है कि तुमने कहां से शुरू करना है, इसलिए हमेशा पहले से आएगा, पहले से आएगा, यही कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि शायद गो टू रो कॉलम पे ये सिर्फ तुम्हें पहली दफा चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, बट खैर इसको तुम इसके अंदर भी रखो तो पढ़नी पड़ो, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हें ये तुम्हें जब टॉप टू बॉटम में आओगे तो वहां जरूरत पड़ेगी, तो लेट्स नॉट चेंज, ओके, ऑलराइट, ये समझ में आ गया, तुम्हारा गो टू रो कॉलम पे गए, वहां पे जाके हमने सी आउट किया, जो पैरामीटर पास होंगे उसके हिसाब से ये प्रिंट होगा, बस ठीक है, वो जिस तरह मर्जी तुम करो, ठीक है, ये हमने लेफ्ट टू राइट कर दिया है ना, अब अगला सवाल मेरा ये है कि अब हमने टॉप टू बॉटम, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने टॉप टू बॉटम करना है, टॉप टू बॉटम, ओके जी, टॉप टू बॉटम में हमें क्या क्या पैरामीटर भेजने चाहिए, एक जी बताओ, सॉरी सीएस को आर के इक्वल करने या प्लीज बात सुन, लेफ्ट टू राइट फॉर C is equal to CS, C is less than or equal to CE, C plus plus, और यहाँ पे मैं दो तीन दो कॉलम बनाया है, यहाँ पे तुमने लिखा C, sorry R, और यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिखा C out, S, क्या कह रहे हैं, C equal to CS,
तुम्हारी ये बात ठीक है लेकिन ये फिर वो हमारा लेफ्ट टू राइट जो होना चाहिए वो बिल्कुल जेनेरिक होना चाहिए। तुम कह रहे हो स्पेसिफिकली कि वो आर इक्वल टू 1 है तो वो यहां से शुरू, आर इक्वल टू है तो वो यहां से शुरू, है ना। लेकिन लेफ्ट टू राइट को नहीं पता कि मैंने यहां से यहां तक चला। लेफ्ट टू राइट को मैं ये भी कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक चला, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए ना। वो चाहे जिस तरह मर्जी चलाओ चलना चाहिए। लेफ्ट टू राइट को का की रिस्पांसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उसको इंस्ट्रक्शन पास हो कि इस रो पे रहो और यहां से लेकर यहां तक चलो। उसका काम सिर्फ ये, उसको नहीं पता कि मैं आर से ही शुरू करता हूं हमेशा। वो तो हमें पता है ना, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने करना है टॉप टू बॉटम। जी टॉप टू बॉटम में हमें क्या पैरामीटर भेजना चाहिए टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्यों आ रहे हैं रो, क्यों रो ना तो चेंज होते ना, तो क्या फर्क होती है बताओ। वो वाली चीज चेंज नहीं होती, ठीक है। पहले तो हम एक इंटीजर सी भेजते हैं जो कि चेंज नहीं हो, ठीक है, इस कॉलम के अंदर है ना। फिर हमें बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है किसमें। शाबाश, इंटीजर रो स्टार्ट और इंटीजर रो एंड, ठीक है। इसी तरह हम कैर एस भेज देते हैं और इंटीजर डी, ठीक है जी। हमने इस कॉलम के अंदर है और रो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी होनी है, ठीक है। और हर जगह जाकर हमने ये सिंबल डिस्प्ले करना है। प्लीज लिखा या लिखे का चलिए ये
ये कौन सी कौन सा कॉलम प्रिंट